एक बिहार जैसे प्रदेशों में फार्मासिस्ट की समस्या। आज़ादी के बाद ही बिहार सरकार द्वारा कभी भी इस पर पहल नहीं किया, जिसके अन्य राज्यों ने किया। उन्होंने फार्मेसी कॉलेज, अनगिनत फार्मेसी कॉलेज खोला है। प्राइवेट सेक्टर को भी उन्होंने आह्वान किया फार्मेसी कॉलेज खोलने के लिए। आज उन प्रदेशों में फार्मासिस्ट की उपलब्धि अपने हिसाब से रेशियो में बिल्कुल सही है, लेकिन बिहार, झारखंड, बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में सरकार निष्क्रिय रही, और जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर फार्मेसी कॉलेज नहीं के बराबर खुल पाया। आज उसके कारण जो भी हमारे पास उपलब्ध फार्मासिस्ट है, 5 या 6 हज़ार जो बिहार में उपलब्ध फार्मासिस्ट है, उसके नाम पर 35,000 दवा दुकानों का लाइसेंस यही बिहार सरकार ने हमें दिया है। हम अपने से लाइसेंस नहीं लिए, बिहार सरकार ने दिया हमें पूरी जांच पड़ताल के बाद। नहीं मानते हैं कि घोर लापरवाही स्टार्टिंग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बावजूद भी बिहार सरकार इसको शिथिल रखी हुई थी अपनी मजबूरी को देखते हुए, फार्मासिस्टों कमी को देखते हुए, और हमारी दुकान हमारे देख रेख में हमारे अनुभव के तौर पर 5-5 साल 10-10 साल जो दवा बेचने का हमारा अनुभव है, उसके चल पर हम अपनी दुकानों को चला रहे थे। और आज तक एक भी ऐसा मौका नहीं आया है, सूचना नहीं आया है कि दवा के दुकान द्वारा प्राप्त दवा खाने से किसी व्यक्ति की मौत हुई। यहाँ तक हम लोग सेंसिटिव रहे हैं, जहाँ पर सरकार की सारी संस्थाएं, सारे हॉस्पिटल में नर्स, चपरासी, किरानी उनके दवा का वितरण कर रहे हैं, हमारे दवा दुकान में जहाँ हम सक्षम व्यक्ति हैं, हमको दवा दुकान वितरण कराने के लिए वो फार्मासिस्ट की मांगते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें फार्मासिस्ट तो उपलब्ध कराएं, लेकिन फार्मासिस्ट उपलब्ध न करा के हमको भयादोहन किया जाता है, इसका एक विरोध है। और दूसरा विरोध है कि भारत में ई फार्मेसी द्वारा, जो ऐसे देश में जहाँ पर जनसंख्या अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती है, वहाँ पर ऑनलाइन दवाई भेज करके हमारे पूरे जो व्यवस्था है उसको चरमराने की सरकार जो कोशिश कर रही है, उसके विरोध में हम लोग आज का एक दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल के, जिसमें 8.5 लाख होलसेलर और रिटेल दवा दुकानें आज बंद हैं।